क्लास थर्ड इंग्लिश मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है पोयम की द डॉफिडल्स तकरीबन हाफ पोयम कराई थी मैंने देखा वीडियो टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डिलाइट तो टॉसिंग मतलब टॉस करना हिलाना देयर हेड तो यहाँ पे जो फ्लावर्स थे वो हेड से का मीनिंग है देयर अपर पार्ट और वो लाइवली मतलब खुशी से डिलाइट से हिला रहे थे अपने सर को अपने अपर पार्ट को टू ब्रिज विंड से। अब इसका आगे वाला पार्ट अपन पढ़ते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं इस पोएम को खत्म कर दूं तो आप ध्यान से सुनिएगा डिफिकल्ट वर्ड मैं साथ में लिखता रहूंगा। आगे है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड टू बट दे आउटडिड द स्प्रिंगलिंग वेव इन ग्ली द वेव। अब यहां पे है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड टू तो उनके पास में जो वेव्स हैं वो भी अब आपने मैंने वहां पे आपको ड्रॉ किया था कि राजस्थान भी जा कैनन भी जा रहा है इसके बाद में डॉफिडल्स बने हुए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डॉफिडल्स हैं ट्री है और क्लाउड है और इधर हिल्स हैं आपने डायग्राम में भी बताया है। तो जो ये पोएम आगे ये कह रहा है कि द वेव बिसाइड जो इसके पास में जो वेव है वो जो है वो भी डांस कर रही है तो लेकिन बट दे यहां पे आया है किसके लिए डॉफिडल्स के लिए दे आउटडिड थोड़ा आपके लिए नया वर्ड है आउटडिड का मतलब होता है कि आउट परफॉर्म करना वो उनसे ज्यादा लाइवली उनसे ज्यादा स्पार्कलिंग मतलब उनसे ज्यादा आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली मतलब खुशी से चमक से। अगर हम इस हार्ड वर्ड है इसका मीनिंग भी आपको दे रखा है पीछे विथ डिलाइट तो वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं आउटडिड कर रहे हैं मतलब वो इतने ज्यादा हैप्पी है कौन डॉफिडल्स द फ्लावर। अ पोएट कुड नॉट बट बी ग्ली ये ग्ली का मतलब है हैप्पीनेस से होना चाहिए हैप्पी। तो द पोएट कुड नॉट बट बी इन द जुकैन कंपनी जुकैन का मतलब है जो इतनी अच्छी कंपनी है हैप्पी कंपनी है चीयरफुल कंपनी मतलब इतनी चीयरफुल कंपनी है किसकी डॉफिडल्स की और ये मेमोरीज की कह लीजिए अगर वो पोएट अगर इधर है तो ठीक है नहीं तो उसकी जो इमेजिनेशन है जो उसकी मेमोरीज की जो कंपनी है उसको मतलब वो पोएट है वो क्या करे ऐसे इस तरह का जो अगर थॉट आ रहा है इस तरह के जो इमेजिनेशन होगी तो क्या होगा केवल और केवल हैप्पीनेस हो खुशी मिलेगी। अगर आपकी मेमोरी में अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो तो क्या होगा आप खुश होगे। तो लाइकवाइज जो पोएट है पोएट कौन जिसने ये पोएम लिखी है आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। गेज्ड का मतलब क्या होता है बस देखते रहना घूमते रहना उसी तरफ बिना अपनी इधर उधर देखे हुए गेस्ट इन गेस्ट बट लिटिल थॉट व्हाट विल द शो टू मी हैड थॉट। अब ये कह रहा है कि मैं गेज मतलब दो बार गेज को बोला आई गेज इन गेज मतलब मैं वहां उसी तरफ देखे जा रहा हूँ कुछ और सोचे बिना बहुत कुछ
व्हाट लिटिल व्हाट वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है यहाँ पे जो आपको, अगर सिंपल सी बात बोले तो वेल्थ से मतलब मॉनेटरी पैसे से जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो वेल्थ कंसिडर होता है। यहाँ पे वेल्थ से है कि जो इस तरह का जो जो मेमोरी है, इस तरह की जो इमेजिनेशन है, जो आपको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा चीयरफुलनेस दे रही है, इससे ज़्यादा वेल्थ क्या और क्या क्या हो सकती है। आप अपने जीवन में कोई भी टारगेट अचीव सेट करते हो, उसको अचीव इसलिए करते हो ताकि अल्टीमेटली आपको खुशी मिले, और अगर किसी पोएट को या किसी को इससे ही खुशी मिल रही है तो और क्या चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब छुट्टियां वेकेशन होती है तो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, और हिल स्टेशन में जाते हैं, हिल्स में रिवर किनारे सी के शोर में जाते हैं ताकि आप इस तरह की नेचुरल ब्यूटी को देख सकें, और वो आपको बाद में वो मेमोरीज आपको जब भी याद आती है तो क्या मेमोराइज करते हो आप, तो क्या यू फील हैप्पी। तो लाइकवाइज हियर द वेल्थ, वो उसी वेल्थ की बात यहां पे पोएट कर रहे हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई ले, ऑफ्ट का मतलब यहां पे ऑफन से है, आई फॉर ऑफ्ट व्हेन आई ऑन माई काउच आई ले, जब भी मैं अपने काउच, काउच मतलब सोफा होता है, जब भी मैं अपने काउच में लेता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, अब जब मैं वैकेंट खाली समय में वैकेंट टाइम में बैठा हुआ होता हूँ, या पेंसिव, पेंसिव का मतलब जो कोई मूड मेरा थोड़ा सा डल है उस मूड में रहता हूँ, रिफ्लेश अपॉन द इनवर्ड आई, और तब फ्लैश करती है, जैसे मूवी थिएटर में आप जाते हो तो कैसे वो फ्लैश होती है, या आप अंधेरे में अगर आप टॉर्च को फ्लैश मारते हो तो लाइट की बीम आती है, इसी तरह वो फ्लैश होके इनवर्ड आई, अंदर से इनवर्ड आई से यहाँ से मतलब है मेमोरी से है, आपके इनवर्ड आई से का मतलब यहाँ पे अंदर की मेमोरी से फ्लैश आउट होती है ये सारी मेमोरी, और आप विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस यहाँ पे ब्लिस जो है वो उसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा खुशी, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। तो ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी, और सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन। तो तब क्या है कि ये इस तरह का जो थॉट है जो इनवर्ड आई मतलब बैक ऑफ द माइंड से आती है और मेरे अकेलेपन को खुशहाल, खुशी खुश कर देती है, एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और मेरा जो हार्ट है वो प्लेजर से फिल हो जाता है, जो अब तक जो हार्ड था वो बिल्कुल डल था वो प्लेजर से फिल हो जाता है, एंड डांस विथ द डॉफेडिल्स, और किस तरह डांस करता है जैसे, या डांस विथ डॉफेडिल्स, और डॉफेडिल्स के साथ में डांस करने लगता है। कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि इमेजिनेशन में या मेमोरीज के अंदर जैसे डॉफेडिल्स डांस कर रहे थे वैसे ही डांस, और हमारा लाइफ के अंदर भी यही होता है कि हम जब कोई अच्छी चीज मेमोराइज कर पाते हैं तो हम चीयरफुल हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, और जब हम कोई पेनफुल मेमोरी याद करते हैं, कोई पुरानी ऐसी पेनफुल चीज याद आती है तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट ये कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इस तरह की जो जब मैं मेमोराइज होती है, जब मेरे इनवर्ड आई से फ्लैश होती है, तब ये सारी चीज़ें तब ऑटोमेटिकली मेरा हार्ट चीयरफुल और प्लेजर से फिल हो जाता है, मैं चीयरफुल फील करता हूँ, मेरा मैं जो है डोफेडल्स की तरह जो है वो डांस करने। तो ये आपकी जो पोएम है ये
इसके साथ ही खत्म होती है और मुझे लगता है ये एक बार दो बार आप पढ़ेंगे और इसके हार्ड वर्ड आप जो है वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आप जो है आपको समझ में आएगी। पहला पोएम है थोड़ा सा डीपर मीनिंग वाला पोएम है, इसके बाद के जो चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर हैं, लेकिन ये पहला चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डीपर मीनिंग का है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको दो या तीन बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें घर पे। थैंक यू, आज की क्लास ही ड्रॉप करेंगे।